अवैध रूप से बालू निकासी वाले घाटों को कराया गया सीज, जहां अवैध बालू खनन पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, वहीं रोक लगने के बावजूद भी कुछ लोग प्रशासनिक अफसरों की आंखों में धूल झोंकते हुए चोरी छिपे रात में अवैध रूप से बालू खनन करने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी होने पर थाना प्रभारी कौंधियारा के द्वारा अवैध खनन की सूचना पर मैप फोर्स के सहित थाना क्षेत्र के कठौली कंचनवा में टोंस नदी से अवैध रूप से बालू निकासी के लिए बनाए गए घाटों को मौके पर पहुंच करके सीज कराया गया। वहीं चोरी छुपे अवैध खनन वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिससे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जबकि थाना प्रभारी कौंधियारा के द्वारा थाना परिसर में कई बार क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक करते हुए यह सख्त हिदायत दी गई थी कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोंस नदी से बालू का किसी प्रकार का अवैध खनन जो भी करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे यह कार्य करने में लगे रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट।